दिवाली और सर्दियों के आने में करीब करीब 2 महीने का वक्त रहता है, लेकिन सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली को गर्मी से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये वो वक्त होगा जब करीब 2 करोड़ की आबादी को अभी की तुलना में ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से दिल्ली का हाल यही रहा है और हकीकत भी रही है। दिल्ली सरकार इसी हकीकत को बदलने में जुटी है। सर्दियों में दिल्ली की आबोहवा और न बिगड़े, इसीलिए पिछले कुछ सालों से दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। इस साल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की भी व्यवस्था होगी, जो कि इस बार अक्टूबर 15 के बजाय 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रैप की व्यवस्था की थी, और इसके तहत हवा की गुणवत्ता को औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बांटा गया था। ग्रैप की व्यवस्था हर साल 15 अक्टूबर से लागू हो जाती है। पहले ईपीसीए यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करती थी। अब यह जिम्मेदारी CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की है। ये आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की निगरानी करता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इस बार ग्रैप को नए तरीके से लागू करने जा रहा है। जिस तरह से मौसम का अनुमान पहले से ही लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से वायु गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है और उसी आधार पर एयर क्वालिटी एक खास सूत्र पर पहुंचने पर 3 दिन पहले से ही ग्रैप के तहत पाबंदियां लग जाएंगी, जबकि अभी तक बंदिशें तब अस्तित्व में आती थी जब हवा में मौजूद कण एक खास सूत्र तक पहुंच जाते थे। सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रैप के तहत लगने वाली बंदिशों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वक्त आ गया है कि हम भी समझें कि ग्रैप को किस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एयर क्वालिटी बिगड़ेगी, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाएगा तो वायु गुणवत्ता के लिहाज से इसे खराब माना जाएगा। ऐसे में बड़े निर्माण स्थलों पर रोक लगा दी जाएगी, धूल उड़ने की निगरानी की जाएगी। वहीं 301 से 401 के एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचने पर हालात को बेहद खराब माना जाएगा। सड़कों पर मशीन से मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर दिया जाएगा। होटल और ढाबों में तंदूरों में कोयले या फिर लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। डीजल जनरेटर्स के उपयोग पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। AQI अगर 401 से 450 के बीच पहुंच जाएगा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं और इसको गंभीर करार ही दिया जाएगा। निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के काम पर भी रोक लग जाएगी। जबकि 450 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होने पर ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगेगी। CNG और बिजली से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली की सड़कों पर निकलने की मंजूरी मिलेगी, यानी कि इन 2 ईंधनों से चलने वाले वाहन ही सड़कों पर नजर आएंगे। दिवाली से पहले और उसके बाद ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली के करीब 3 दर्जन महकमे तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण की समस्या ना हो। ऐसे तो सामान्य दिनों में भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत अधिक अच्छी नहीं रहती है। डीजल गाड़ियों और हमेशा ही चलने वाले निर्माण के काम से होने वाले प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल हमेशा ही खराब रहता है, लेकिन जब सर्दियों का सीजन आता है तो हाल और ज्यादा बुरा हो जाता है। आलम तो ये हो जाता है कि हर साल दिवाली के समय से ही, खासकर नवंबर से लेकर फरवरी तक, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब, बेहद खराब या फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रैप सिस्टम के साथ प्रदूषण कंट्रोल हो सकेगा।